बिजनौर से एक वीडियो वायरल है जिसमें युवती आत्महत्या की बात कर रही है। आपको बता दें, पुलिस ने युवती को रेस्क्यू कर लिया है और उसे सकुशल सुरक्षित उसके घर पहुंचाया। वीडियो में युवती ने अपनी मौत का जिम्मेदार उसके पति ससुराल पक्ष बिजनौर पुलिस को ठहराया है। दरअसल युवती के पति ने अन्य महिला से शादी कर ली थी। किसी अन्य महिला से शादी करने की वजह से युवती कदम उठाने जा रही थी। युवती को दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी शिकायत युवती ने थाने में की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद युवती ने ये वीडियो बनाया था। मेरा नाम और मैं पिछले 5 महीने से बहुत परेशान हूँ। मेरे पति ने दूसरी शादी दूसरी लड़की को भगाकर ले गया है, जो चमन पेड़े की रहने वाली है। मैंने इस मामले पर बिजनौर पुलिस थाने को सूचना दी, जिन्होंने मेरी कोई भी कार्रवाई नहीं की। अब मैं अपने आप को मृत्यु दंड देने वाली हूँ। मेरी मौत की जिम्मेदार मेरा पति और बिजनौर पुलिस और मेरे ससुराल वाले होंगे। मेरी मीडिया वाले से एक ही अपील है कि मेरी मौत के बाद वो मेरी खबर जरूर चलाए। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा मैं क्षेत्र अधिकारी नगर अवगत कराना है कि दिनांक 29 जनवरी को एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक महिला गंगा बैराज पर बिजनौर पुलिस अपने पति एवं ससुराल के घरों से छुप होकर आत्महत्या की बात कह रही है। वीडियो के संज्ञान में आते ही तत्काल कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा महिला को रेस्क्यू कराया गया। महिला सुरक्षित है एवं उसकी काउंसलिंग की गई। महिला से वार्ता के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि महिला के द्वारा थाना कोतवाली नगर में अपने पति एवं ससुराल जनों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का एक अभियोग 10/23 पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग में समग्र कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली नगर के द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2024 को चार्जशीट प्रेषित की जा चुकी है।